So hello everyone, welcome to the question third of the day one of the UPSC answer writing series. Okay. So the question third was, the question third was that in the architecture, the symbols are used to represent the ideals of culture. Analyze the statement with respect to the stupa architecture. तो इस स्टेटमेंट को स्तूपा आर्किटेक्चर के हिसाब से आपको एनालाइज करना है. व्हाट इज द स्टेटमेंट? कि आर्किटेक्चर में कुछ सिंबल्स को यूज किया जाता है और वो जो सिंबल्स होते हैं वो आपकी कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो हियर देयर आर टू कीवर्ड्स, कल्चर और स्तूपास. ठीक है, पहले ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में उसको समझने की कोशिश कीजिए. इन क्वेश्चंस में क्या किया जाता है कि पहला जो स्टेटमेंट होता है उसमें थीम बताई जाती है कि क्वेश्चन का जो बेसिक थीम है वो क्या है. द क्वेश्चन का जो बेसिक थीम है यहाँ पे वो हमने सिंबल्स को एनालाइज करना है कि सिंबल्स कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कल्चर को. जो सेकंड थीम है उसमें कोई ना कोई स्पेसिफिक टॉपिक को घुसेड़ा जाता है, उसमें किसी स्पेसिफिक टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया जाता है. जैसे यहां पे स्तूपा आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया है. ओके, अब यहां पे हमने क्या देखना है कि स्तूपा आर्किटेक्चर में जो सिंबल्स यूज हो रहे हैं वो कल्चर के साथ कैसे कनेक्टेड है. दिस इज द थीम, दिस इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, और इसी मीनिंग को एग्जांपल्स के साथ आपको एनालाइज कर देना है. दैट इज इट. ओके, बिकॉज एनालाइज क्यों करना है? बिकॉज द डायरेक्टिव इज एनालाइज द स्टेटमेंट. Okay, let's get started. So the first is the introduction. Introduce कीजिए. How you will introduce? देखिए, इस ऐसे questions को करने के दो तरीके हैं. There are two ways that how you can introduce, conclude, etc., etc. दो तरीके हैं ऐसे questions को करने के. पहला है आप culture को पकड़िए. कल्चर को कहिए दैट कल्चर में आपके पास रिलीजन भी आ जाता है, कल्चर में आपके पास स्टेट का, नेशन का मटेरियल एस्पेक्ट भी आ जाता है, स्टेट में यहाँ पे कल्चर में आपके पास आइडियोलॉजी भी आ जाती है. रिलीजन को स्तूपा में कैसे रिप्रेजेंट किया गया वो बता दीजिए, मटेरियल एस्पेक्ट को कैसे रिप्रेजेंट किया गया वो बता दीजिए, आइडियोलॉजी को कैसे रिप्रेजेंट किया गया वो बता दीजिए. तीनों चीज़ों को बता दीजिए अच्छे एनालिटिकल फॉर्म में, देन यू कैन कंक्लूड. फिर उसके बाद कंक्लूड कर दीजिए. इन कंक्लूजन यू हैव टू गिव योर ओन ओपिनियन. इसके रिगार्डिंग आपका जो भी ओपिनियन है, जो भी आपका विचार है, वो आप कंक्लूजन में लिख दीजिए. द फर्स्ट वे इज दिस, ये पहला वे है. जो आपके पास सेकंड वे है वो ये है कि आप पहले स्तूपा से शुरू कीजिए. स्तूपाज क्या होते हैं वो बता दीजिए, फिर उसके बाद स्तूपाज में कौन कौन से सिंबल्स यूज हुए हैं वो बता दीजिए, एंड हाउ दे दीज सिंबल्स आर रिलेटेड टू रिलीजन, बेसिक आइडियोलॉजी और द बेसिक आइडियाज एंड द मटेरियल एस्पेक्ट, ये बता दीजिए. एनालिटिकल वे से इन चीज़ों को बता दीजिए, देन यू कैन कंक्लूड. फिर उसके बाद आप चीज़ों को कंक्लूड कर दीजिए. ओके, द सेकेंड वे इज दिस. ये दो वे से आप क्वेश्चन को कर सकते, दो तरीके हैं क्वेश्चन को करने के. ओके, मैंने दूसरा वे अपनाया है. लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो द आंसर इज आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, द रेलिक्स ऑफ बुद्ध और बुद्धा वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट किंगडम्स एंड द स्तूपाज वर इरेक्टेड ओवर देम, और स्तूपाज को उनके ऊपर इरेक्ट कर दिया गया. तो ये जो आपका स्टेटमेंट है इट इज रिगार्डिंग स्तूपाज. ओके, ये स्तूपाज को आपने अच्छी तरह से बता दिया कि स्तूपाज आखिर होते क्या हैं, कि बुद्धिस्ट के जो बुद्ध के रेलिक्स थे उनको डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स में बांटा गया, उन किंगडम्स ने बुद्ध की याद में उनके कुछ आइडियल्स को मद्देनजर रखते हुए उसके ऊपर स्तूपाज बना दिए. ठीक है, सो दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट, दिस इज द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, आपका इंट्रोडक्शन हो गया. नाउ द नेक्स्ट इज द कनेक्टिंग स्टेटमेंट. ठीक है, कोई अब्रप्शन ना आए, एक कंटिन्यूटी क्वेश्चन में बनी रहे, तो हमने एक कनेक्टिंग स्टेटमेंट इसमें इंट्रोड्यूस कर दी. दे यूज मैनी सिंबल्स टू सिग्निफाई द आइडियल्स एंड द वैल्यूज ऑफ रिलीजन स्पेसिफिकली एंड कल्चर इन जनरल. देखिए, अब जो आपके पास
ये जो स्टेटमेंट है उसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया, पहली स्टेटमेंट के साथ हम कनेक्शन ले आए. गॉट द पॉइंट? सो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टार्ट योर क्वेश्चन. क्वेश्चन को स्टार्ट कर दीजिए, कंटिन्यूटी भी बनी रही और दो सेंटेंसेस में, दो स्टेटमेंट्स में आपका काम भी हो गया. सो व्हाट आर द सिंबल्स? आपके पास सिंबल्स कौन कौन से हैं एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू योर रिलीजन एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू योर कल्चर, उन चीजों को देखेंगे हम. सो फर्स्ट इज द जटाका स्टोरीज. जटाका स्टोरीज को वहां पे रिप्रेजेंट किया गया, कार्व किया गया टू टीच द लेसन्स ऑफ कर्मा, संसारा एंड धर्मा. ये तीन लेसन्स को, ये जो तीन वैल्यूज़ हैं, ये जो तीन रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, ये जो तीन कल्चरल वैल्यूज़ हैं, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए दे यूज द जटाका स्टोरीज इन द सिंबॉलिक फॉर्म, वहाँ पे कार्व किए गए. ठीक है, द अंडाल, ठीक है, जो आपका द शेप ऑफ स्तूपा, इट इज़ इन ऑल्सो इन द शेप ऑफ अंडा. अंडा का मतलब है एक हेमिस्फेरिकल शेप. This hemispherical shape, it is a symbol of the latent creative power and it also represents the cycle of the death and rebirth. This is also a religious value. Harmika, जो इसके ऊपर होती है, ये जो आपका ये स्तूपा है और इसके ऊपर हर्मिका होती है इस तरह से. Harmika, it symbolizes the nirvana. Nirvana is the stage beyond life and death. ठीक है, जब आप लाइफ और डेथ का ये जो साइकिल है इससे आप बाहर निकल जाते हो, इससे आप मुक्त हो जाते हो. सो हर्मिका विच इज ऑन द टॉप ऑफ अंडा, इट रिप्रेजेंट्स द निर्वाणा. अगेन इट इज अ कल्चरल एंड द रिलीजियस सिंबल, और निर्वाणा जो है वो आपके पास रिलीजियस वैल्यू है. ओके, देन द थ्री एलिमेंट्स ऑफ क्षत्रा एट सांची, ये आपके पास सांची स्तूपा में है, रिप्रेजेंट द थ्री ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म, अगेन अ रिलीजियस वैल्यू. बुद्ध, धर्म और संघ, ठीक है, ये जो तीन ज्वेल्स हैं बुद्धिज्म के, उसको ये रिप्रेजेंट करती है. देन वेदिकास, दे सर्व टू डिमार्केट द बाउंड्री ऑफ द सेक्रेट एंड द सेकुलर वर्ल्ड. ठीक है, वेदिकास क्या होते हैं, जो आपके पास, this is anda, on the outside of anda these are the vedikas. ठीक है, ये आपके पास वेदिकास आ जाते हैं. ओके, ऊपर आपके पास यहाँ पे हर्मिका आ जाती है. ओके, सो दिस इज, ये थोड़ा सा अपरेस्ड प्लेटफॉर्म होता है. ओके, सो द स्कल्पचर्स, और उसके बाद कुछ स्कल्पचर्स पाए गए हैं यक्ष और यक्षी के. They symbolize the history of the ideal harmony and compassion. So it is the harmony and compassion. They are the cultural values. ठीक है, now आपका question हो गया. Now the question को आपने पूरा लिख दिया, cultural values बता दी, religious values बता दी. ठीक है, अगर और लिखना है तो आप चीजों को ये भी बता सकते हो, वेयर रेड सैंडस्टोन एंड वेयर मार्बल्स पर यूज्ड. ठीक है, तो वो एक मटेरियल कल्चर का भी एस्पेक्ट इसको आपको मिल जाता. ठीक है, यहाँ पे एनीवेज, नाउ कंक्लूजन. अब कंक्लूजन का टाइम आ गया. सो टू कंक्लूड, इन दिस वे द बुद्धिस्ट स्तूपा आर्ट सक्सेसफुली एक्सपाउंड्स द बुद्धिस्ट आइडियल्स एज वेल एज द कल्चरल ईथोस. ठीक है, देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ही लिखना है जो आपका कंक्लूजन है उसमें. इट इज़ नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लिखना पड़ेगा कंक्लूजन में, तभी आपको मार्क्स मिलेगा, तभी आपको नंबर्स मिलेंगे. ठीक है, व्हाट इम्पॉर्टेंट इज कि जो आपका कंक्लूजन है इट शुड बी ऑन द लाइन ऑफ क्वेश्चन. भाई क्वेश्चन की लाइन और लेंथ से पीछे नहीं हटना है, पूरा आपका जो आंसर है क्वेश्चन की जो बेसिक डिमांड है उसके ऊपर होना चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं है कि जोश चढ़ गया कि बहुत अच्छा बॉडी लिख दिया और अब पता नहीं कुछ बहुत ही अच्छा कंक्लूजन लिखना है मैंने,
और जोश जोश में पता नहीं क्या लिख दिया, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज बी फोकस्ड ऑन द बेसिक डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चंस सिंपल पूछे जाते हैं, कोई एक्स्ट्रा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है हिस्ट्री के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए, सोसाइटी के लिए। बेसिक जो आप चीज़ें पढ़ रहे हो, जो प्रीलिम्स के लिए पढ़ा था, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। यू नीड टू गो थ्रू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि चीज़ों को यहाँ पे एनालिटिकल फॉर्म में लिखना होता है, आपको अपनी समझ बनानी होती है, कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के ऊपर काम कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिखिए, गलतियाँ कीजिए, गलतियों को सुधारिए, चीज़ों को डिस्कस कीजिए, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल फॉर श्योर ट्राई टू डिस्कस इट विद यू, ओके। थैंक यू वेरी मच।